जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शिवामार, MCG एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे संबंधित क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो हमारे CTET, MPTET, UPTET आदि रीट इन सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन के सामने। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश 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 होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। मैं फिर से आपके सामने दोस्तों एक बार क्वेश्चन को दोहराना चाहता हूँ। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति डैश 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 होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? क्षारीय होगा। चलिए चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? मतलब मच्छरों से जो बीमारियां फैलती हैं, समुच्चय मतलब जो इकट्ठी एकजुट होती हैं, उनसे मच्छरों द्वारा कौन कौन सी बीमारियां फैलाई जाती हैं, तो मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? तो दोस्तों याद रखेंगे हम, क्या है इसका आंसर? डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये किसके द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारियां हैं दोस्तों? मच्छरों के द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारियां हैं। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। प्लेग क्या है? क्वेश्चन है दोस्तों, प्लेग क्या है? तो आपसे कोई भी पूछे कि प्लेग क्या है, तो हमें बताना है जीवाणु जनित बीमारी। क्या है प्लेग? जीवाणु जनित बीमारी है। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि, ज्वर नियंत्रण मतलब बुखार में नियंत्रण पाने के लिए हम सबसे अधिक कौन सी औषधि का उपयोग करते हैं? तो हम दोस्तों इसका आंसर क्या बताएंगे दोस्तों? पैरासीटामोल। क्या है दोस्तों इसका आंसर? पैरासीटामोल। हर वर्ष सीटेट में किसी न किसी कहीं से भी कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के ले लेते हैं दोस्तों, इसलिए हम सभी लोग किसी भी एंगल से कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। हम हर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और उससे संबंधित हर एक पॉइंट को अच्छे से सीखेंगे, जिससे हम किसी भी परीक्षा, चाहे वो CTET हो, UPTET हो, चाहे MPTET हो, किसी भी परीक्षा में बैठें तो हम उस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकें। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार और फिर आपके सामने दोहराता हूँ। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियाँ जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? क्या है दोस्तों इसका आंसर? यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? तो हम इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, एनीमिया। क्या है इसका आंसर दोस्तों? एनीमिया। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस विटामिन की कमी से रक्त का धक्का नहीं जमता है? किस विटामिन की कमी से रक्त का धक्का नहीं जमता है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से पकड़िए। इसमें क्या बोल रहा है ये लोग? किस विटामिन की कमी से रक्त का धक्का जमता नहीं? क्या लिख रहे हैं ये लोग? नहीं जमता है। ये इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, किस विटामिन की कमी से रक्त का धक्का नहीं जमता है। कई बार हम क्या करते हैं, हड़बड़ी में जो है गलत आंसर को टिक कर लेते हैं, इसलिए हम आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चन को लेके आए हैं, जिससे आप एक बार में उस क्वेश्चन को पूरी तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस विटामिन की कमी से रक्त का धक्का नहीं जमता है? नहीं जमता है। तो हम क्या बताएंगे दोस्तों इसका आंसर? विटामिन के। क्या है दोस्तों इसका आंसर? विटामिन के। याद रखेंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है? विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? स्कवरी। क्या है दोस्तों? स्कवरी। याद रखेंगे हम अच्छे से। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब विगत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं और हर वर्ष जो है किसी ना किसी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए ध्यान से दोस्तों एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से देखना है, और हमारा चैनल अगर आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना है, संग में लाइक भी करना है, और पसंद आने पर थम्स अप बटन को जरूर दबाना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्वासियोरकर नामक रोग डैश 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 की कमी से होता है। क्या है दोस्तों? क्वासियोरकर नामक रोग डैश 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 कमी से होता है। कुछ कभी कभी ऐसे होते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं हमारे सामने जो हमको याद रखना बड़ी मुश्किल होते हैं, इसलिए इन शब्दों को बहुत ध्यान से देखना है। क्या लिखा है दोस्तों? क्वासी योरकर नामक रोग डैश 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 की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है दोस्तों?
तो हम इसका आंसर बताएंगे, प्रोटीन की कमी से होता है। किसके दोस्तों? इसके प्रोटीन की कमी से होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, वायरस और संक्रमण से होने वाला रोग क्या है? वायरस आपने देखा होगा कभी ना कभी जो है हमारे वातावरण में किसी ना किसी प्रकार का वायरस जो है पूरे वातावरण में फैल जाता है, जिससे सभी लोग उस वातावरण उस वायरस का क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे ही अनेक वायरस होते हैं, उसमें से एक वायरस है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो हम इसको याद रखेंगे दोस्तों, क्या है इसका? जुकाम। क्या है दोस्तों इसका आंसर? जुकाम। ठीक है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। किस गैस की गहन सलगनता हीमोग्लोबिन से होती है? फिर से देखते हैं क्वेश्चन, किस गैस की गहन सलगनता हीमोग्लोबिन से होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों CO2। क्या है दोस्तों इसका आंसर? CO2। याद रखेंगे दोस्तों अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे के द्वारा फैलने वाला रोग है, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग है, क्या है दोस्तों इसका आंसर? याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और हमको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। किसी न किसी परीक्षा में ये जरूर पूछा जा सकता है कि चूहों द्वारा फैलने वाला रोग है। तो दोस्तों इसका आंसर है प्लेग। क्या है दोस्तों इसका आंसर? प्लेग है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों यकृत। क्या है दोस्तों इसका आंसर? यकृत। अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों अपन, इसका आंसर है यकृत। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, आप सभी को पता होगा दोस्तों ये क्वेश्चन। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है हमको? रतौंधी। क्या होता है? आँखों की बीमारियाँ हो जाती है, रतौंधी, आँख से संबंधित समस्या हमको देखने को मिलती है विटामिन ए की कमी से। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है, क्या है दोस्तों? धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग है, आंसर है दोस्तों इसका कैंसर और फेफड़ों का। दोस्तों वैसे तो इस वीडियो के पार्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो को शेयर करने के लिए ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि धूम्रपान ये हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान से जो है कैंसर से संबंधित समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया प्लीज़ धूम्रपान का उपयोग कम से कम कीजिए, जिससे आपको अपने लिए और अपने परिवार के लिए जीना है दोस्तों, ये ज़रूर सोचिए। इसलिए प्लीज़ दोस्तों धूम्रपान का उपयोग कम कीजिए। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चमाभ ऊतक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? क्या है दोस्तों क्वेश्चन? पश्चमाभ ऊतक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हमको रखना है श्वसनिका, मतलब कहाँ पर, जहाँ से हम श्वास लेते हैं। पश्चपात ऊतक प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं? श्वसनिका में मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? श्वसनिका में मिलते हैं। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। मलेरिया रोग होता है किसके कारण से? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद रखेंगे अपन। क्या हो सकता है? मलेरिया रोग होता है किसके कारण से? तो याद रखेंगे दोस्तों, प्लाज्मोडियम और फाल्सी पैरम। क्या है दोस्तों इसका आंसर? प्लाज्मोडियम और फाल्सी पैरम। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। सभी क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से देखना है दोस्तों, हम आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चनों को इसलिए आपके सामने लेके आए हैं क्योंकि इसका आपको आंसर एक ही शब्द में आंसर मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों सभी क्वेश्चनों को अपन को बहुत अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डेंगू रोग का वाहक है, डेंगू कौन से रोग का वाहक है दोस्तों? एडिज मच्छर। डेंगू किसके द्वारा होता है? याद रखेंगे अपन, एडिज मच्छर। इसके काटने से क्या होता है हमको? डेंगू रोग होता है। क्या होता है दोस्तों? डेंगू रोग होता है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है, क्या है दोस्तों इसका आंसर? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। क्या है दोस्तों इसका आंसर? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों हमको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि दोस्तों मैं आपके सामने लाने के लिए तो मैं आपके सामने चार ऑप्शन वाले क्वेश्चनों को भी आपके सामने रख सकता था, लेकिन दोस्तों हम आपके सामने वन लाइनर क्वेश्चनों को इसलिए लेके आए हैं क्योंकि इससे हम जो है एक बार में सीधे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर डायरेक्ट हमारे दिमाग में जाएगा दोस्तों। इसलिए हमको बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को बारीकी के साथ देखते हुए जाना है दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है दोस्तों? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। पोलियो का कारण है, क्या है पोलियो का कारण? पोलियो किस कारण से होता है? विषाणु से होता है दोस्तों। किससे होता है दोस्तों? विषाणु से, याद रखेंगे दोस्तों। सीटेट
यूपी टेट, एमपी टेट, इन सभी में ये क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिल सकते हैं दोस्तों। इसलिए मैं आपसे फिर बार 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 बोल रहा हूँ, मैं आपसे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से देखिए, हर एक क्वेश्चन पर बिल्कुल एकदम कड़ी नज़र जमा के हमको क्वेश्चन को देखना है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? क्या है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस अंग में संपन्न होता है दोस्तों? अमाशय में। कहाँ होता है दोस्तों? अमाशय में। देखिए दोस्तों क्वेश्चन से ही आंसर टूट रहा है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, मतलब हमारी जो पाचन क्रिया में हमारा जो भोजन पाचन जो भोजन हमारा पचता है वो किस क्रिया में अधिकांश किस अंग में पचता है दोस्तों? अमाशय में पचता है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्न में से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? किसकी होती है दोस्तों? खनिज की होती है दोस्तों। किसकी होती है दोस्तों? खनिज की होती है, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन देखने में हमको छोटे छोटे क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन जब भी परीक्षा में पूछे जाते हैं तो हम इसका मतलब जल्दबाजी में आंसर को जो है गलत कर देते हैं। हमको ऐसा काम नहीं करना है दोस्तों, और हमको बिल्कुल एकदम कड़ी नज़र जमा के देखना है एक एक क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है, यह सामान्यतः रोगी होता है। देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे, क्या है दोस्तों? एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है या दी जाती है, वह सामान्यतः रोगी होगा। कौन सा रोगी होगा दोस्तों? स्कवरी रोगी। कौन सा? स्कवरी रोगी, रोग का होगा। कौन सा होगा दोस्तों? स्कवरी रोग का होगा। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये इकाइयाँ कहलाती हैं। दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन हमसे कह रहा है दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सी इकाइयों से मिलकर बना होता है, ये इकाइयाँ कहलाती हैं। कौन सी कहलाती हैं दोस्तों? अमीनो अम्ल। क्या कहलाती हैं दोस्तों? अमीनो अम्ल। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर किसी के भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता होगी तो उसको हो सकता है, क्या हो सकता है दोस्तों? जाहिर सी बात है, अगर हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आ सकते हैं दोस्तों? अपना कार्बोहाइड्रेट में अपने चावल आ सकते हैं, अपने दोस्तों आलू आ सकता है, और भी बहुत सारे फल या फिर जो है मतलब सब्जियां आती हैं कार्बोहाइड्रेट, और वसा की अधिकता होगी तो उसको क्या हो सकता है मनुष्य को? जाहिर सी बात है दोस्तों, उसको मोटापा की बीमारी हो सकती है, वो मोटा हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है, कौन सा? यह रोग मक्खियों के द्वारा फैलता है, इस रोग से पतले दस्त होते हैं और खून भी आता है, यह बीमारी है। कौन सी है दोस्तों? पेचिस। क्या है दोस्तों इसका आंसर? पेचिस बीमारी है। पेचिस बीमारी से जो है मानव को जो है पतले पतले दस्त लगेंगे और खून भी आता है। तो दोस्तों आंसर अपन याद रखेंगे, क्या है इसका आंसर? पेचिस। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? सब दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है पर्यावरण से संबंधित है, और जो है सभी क्वेश्चंस मैंने एक एक बड़ी मुश्किल से एक एक क्वेश्चंस को जुटाया है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए, इसलिए हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों। क्वेश्चन है सूखा रोग, कौन सा रोग दोस्तों? सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? कौन सा रोग दोस्तों? सूखा रोग किसकी कमी से होने वाला प्रमुख रोग है? तो हम इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। क्या है दोस्तों इसका आंसर? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। अस्थमा बीमारी है, अस्थमा में क्या होता है? आदमी सांस की बीमारी हो जाती है, अपन कहते हैं ना इसको अस्थमा की बीमारी है, तो वो कौन सी बीमारी हो जाती है दोस्तों? सांस की बीमारी है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। किन बीमारियों के लिए DPT का टीका लगाया जाता है, मतलब वह कौन कौन सी बीमारी है जिसमें कौन सा टीका लगाया जाता है दोस्तों? डी पी टी का टीका लगाया जाता है। तो वह दोस्तों वह बीमारी होगी हमारी काली खांसी, कौन सी? काली खांसी और डिप्थीरिया, और कौन सी होगी दोस्तों? टिटनेस। ये तीन बीमारियां होगी, काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस की, याद रखेंगे दोस्तों। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए हमको इसको बहुत अच्छे से देखना है, इस पूरे क्वेश्चन को जरूर पूछा जा सकता है कि किन बीमारियों के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। तो कौन सी है दोस्तों? काली खांसी,
डिप्थीरिया और टिटनेस, कौन कौन सी दोस्तों? काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है? किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन साइनोकोबालामिन है? कौन सी बीमारी है दोस्तों? विटामिन B12। कौन सी? विटामिन B12। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालियम है? हम बोलेंगे दोस्तों विटामिन B12। विटामिन B12। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, पोलियो होता है, पोलियो होता है किससे होता है दोस्तों? दूषित जल और भोजन से, दूषित जल और भोजन से, दूषित जल और भोजन से। पोलियो किसके कारण से होता है? यदि हम दूषित जल और भोजन से, मतलब दूषित मतलब अच्छा पानी ना पियेंगे, और जो है मतलब अच्छे से भोजन ना करना, या फिर भोजन में बहुत सारी मतलब दूषित भोजन बोल सकते हैं, दूषित जल या दूषित भोजन से हमको क्या होता है? पोलियो हो सकता है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। शुष्क बर्फ किसका रूप है? शुष्क बर्फ किसका रूप है? किसका किसका रूप है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड का। कौन सा दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का। दोस्तों याद रखेंगे क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को हमको देखना है, हर एक क्वेश्चन पर अपनी बारीकी से नज़र नज़र नहीं हटने देनी है दोस्तों। क्वेश्चन से नज़र हटी और एक क्वेश्चन गया, आपका एक नंबर भी जा सकता है दोस्तों, एक नंबर से तो पूरा खेल बिगड़ सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसी के साथ फिर अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। संरक्षण या विनाश क्या है दोस्तों? संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, हमको बहुत अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक है कौन है दोस्तों? सरला बहन। क्या है दोस्तों? सरला बहन। बहुत जगह ये क्वेश्चन को पूछा गया है, सीटेट में भी इस क्वेश्चन को एक दो बार पूछा जा चुका है। अच्छे से इस क्वेश्चन को देखना है कि संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक है कौन है दोस्तों? सरला बहन, सरला बहन। चलिए दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बोलना चाहूँगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों तक इन क्वेश्चनों को ज़रूर पहुँचाइए, क्या पता कब को इन क्वेश्चनों की ज़रूरत किसको पड़ सकती है। इसलिए प्लीज़ दोस्तों इसको सब्सक्राइब, आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और पूरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है दोस्तों? क्वेश्चन है कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? इसका आंसर है दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड। क्या है दोस्तों इसका आंसर? कैल्शियम कार्बाइड। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छे से देखना है इस क्वेश्चन को। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? कौन सा है प्रथम साहित्य स्रोत? ऋग्वेद। कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सीटेट में पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को कि कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है। बहुत अच्छे से याद रखना है और देखना भी है कि ऋग्वेद। क्या है इसका आंसर दोस्तों? ऋग्वेद है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, क्या हो सकता है इसका आंसर दोस्तों? वेसाइल्ट। क्या है इसका आंसर? वेसाल्ट। क्या है दोस्तों इसका आंसर? वेसाल्ट है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं हम। सिख धर्म के संस्थापक कौन है? सिख धर्म के संस्थापक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, गुरु नानक देव। क्या है इसका आंसर दोस्तों? गुरु नानक देव। अब सभी लोगों को, मोस्टली सभी लोगों को पता होगा इस चीज़ के बारे में कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव है। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है, मतलब भूकंप की तीव्रता वह यंत्र जिससे भूकंप को मापा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं? सीस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको? सीस्मोग्राफ बोल सकते हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण हुई? भोपाल में एक गैस कांड हुआ था, आप सभी लोगों को पता है उसके बारे में, उससे ही संबंधित क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण है? किस गैस के कारण हुई थी दोस्तों? ये मिथाइल। क्या है दोस्तों इसका आंसर? मिथाइल आइसोसाइनेट। किसके कारण हुई थी दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनेट। तो आपसे कोई भी पूछे कि भोपाल गैस श्रावदी किस गैस के कारण हुई थी, हमको छूटते ही आंसर देना है मिथाइल आइसोसोनेट। ठीक है दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं।
रिक्टर पैमाने से डैश 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 की तीव्रता नापी जाती है। रिक्टर पैमाने से डैश 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 की तीव्रता नापी जाती है। किसकी तीव्रता नापी जाती है दोस्तों? भूकंप की तीव्रता नापी जाती है। भूकंप आता है तो हम इसको किसके नापते हैं? रिक्टर पैमाने से नापते हैं। किससे नापते हैं दोस्तों? रिक्टर पैमाने से नापते हैं। चलिए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। देखिए दोस्तों वही क्वेश्चन आ गया जो अभी मैंने आपको बताया था कि भूकंप मापा जाता है। किससे मापा जाता है दोस्तों? रिक्टर पैमाने में। किसमें? रिक्टर पैमाने में। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम वीडियो का यहीं समापन करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आएगी, आई हुई हो। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो। और दोस्तों मेरे द्वारा जो भी गलती की गई हो वह मुझे क्षमा कीजिएगा। और दोस्तों अगर कोई भी सुझाव मुझे आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के कृपया ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।